हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक सीक्रेट फॉर्मूला देखेंगे एक परफेक्ट रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले रिज्यूमे को समझते हैं। जैसे एक फिल्म रिलीज होने के पहले उसका ट्रेलर मार्केट में आता है, हम ट्रेलर देख करके उससे प्रभावित होते हैं और थिएटर में जाकर हम फिल्म देखते हैं। आपका रिज्यूमे आपका ट्रेलर है जो आप एचआर को दिखाते हैं, तो वो एचआर आपको उसके प्रीमाइसेस पे इंटरव्यू के लिए बुलाता है। So, ये आपका एक इंट्रोडक्शन है जो आपके जाने के पहले एचआर के पास पहुंच जाता है। सो ऑब्वियस है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसके ऊपर हमें बहुत सिंसियरली और सीरियसली इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले आपका टाइटल बोल्ड लेटर्स में कैपिटल लेटर्स में आपका नाम होना चाहिए, जिसकी फॉन्ट साइज 12 या 13 मैक्सिमम होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका करियर ऑब्जेक्टिव। अब करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 80-90% जो स्टूडेंट्स है किसी का कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, शायद इसीलिए वो इसे सीवी भी कहते हैं। तो रिज्यूमे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके हम बात कर रहे हैं करियर ऑब्जेक्टिव, ये क्या है। मान लीजिए एवरेज आपकी एज अभी 20-25 है, तो आज तक आपने जिस चीज के लिए पढ़ाई की वो है आपका करियर, और आगे आप जिसके लिए मेहनत करने वाले हैं 25-30 साल वो है आपका करियर। तो इस करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है ये एचआर जानना चाहता है, इसीलिए आपको दो लाइन में स्पेसिफिक और सिंपल वर्ड्स में इसको डिफाइन करना है। यहां पर एचआर को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो, विदाउट रीजन हेवी वर्ड यूज करना, अननेसेसरी कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेटरी वर्ड यूज करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है उसको जस्टिफाई करना। सो बेसिक है, सिंपल रहिए, स्पेसिफिक लिखिए और आगे बढ़िए। आगे आता है आपका एजुकेशनल डिटेल्स, जिसमें आपको परसेंटेज बोर्ड स्पेशलाइजेशन और डिग्री, स्टार्टिंग फ्रॉम दी रिसेंट डिग्री वहां से आपको स्टार्ट करना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, उसको डिफाइन कीजिए। अगर नहीं है, आप अगर फ्रेशर है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका इंटर्नशिप और जो प्रोजेक्ट डिटेल्स है उसको डिस्क्राइब कीजिए। सिर्फ कंपनी नेम टेन्यूअर और डेजिग्नेशन पर मत खत्म कीजिए, आप वहां पर यह दीजिए कि उस कंपनी में आपने क्या रोल किया, किस डिपार्टमेंट में किया और वहां से आपने क्या सीखा, the learnings या आउटकम के हेडिंग में आप वहां पर डिफाइन कीजिए कि इस कंपनी में इस डिपार्टमेंट में इतने पीरियड के लिए मैंने ये काम किया और यहां से मैंने ये सीखा जो मुझे आगे करियर में हेल्पफुल हो सकता है। इसके बाद आप आपके कंप्यूटर के डिटेल्स दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पर लिटरली एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है वो है हॉबीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस सेक्शन। अगेन इसमें क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो किसी से उधार लेते हैं हॉबी और अपने नाम से वहां पर लिख देते हैं, ये बाद में जस्टिस करने के लिए इसका जस्टिफिकेशन देने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप लिखते हैं हॉबीज में रीडिंग बुक्स प्लेइंग क्रिकेट लिसनिंग म्यूजिक ये बहुत कॉमन है, तो आप समझ लीजिए हॉबी इज नॉट अ थिंग ऑफ अ टाइम पास। टाइम पास करने के लिए जो हम करते हैं उसे हॉबी नहीं कहते। हॉबी तो वो होती है जिससे हमारी पर्सनालिटी को एनहांसमेंट होता है, जिससे हमारी पर्सनालिटी में एक नया वैल्यू एडिशन होता है। और ये क्यों पूछा जाता है, ताकि एचआर ये समझता है कि आपके प्रोफेशनल क्वालिटीज के अलावा आपकी पर्सनल क्वालिटीज कैसी है, आप ओवरऑल एक पर्सन कैसा है। तो अगर आप रीडिंग बुक्स लिखते हैं तो बिल्कुल लिखिए, लेकिन उसके पहले आपने 10 बुक्स पढ़ी होनी चाहिए, उसका ऑथर उसका पब्लिकेशन उसकी प्राइस उसकी समरी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बातें बिल्कुल भी मत लिखिए। जैसे मैं देखता हूँ काफी सारे स्टूडेंट लिखते हैं एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। अब एक्सेप्टिंग चैलेंजेस अगर आपको एचआर आपके पीछे पड़ जाता है और पूछता है कि प्रूफ करो आपने कितने लाइफ में चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है, उसे सक्सेसफुली अचीव किया है, यकीन मानिए आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो हमारी डे टू डे लाइफ के थिंग्स है उसको आप चैलेंज नहीं कह सकते, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ, तो हमें करना ही है। सो ऐसी अनरियलिस्टिक चीजों से बचिए, जो रियल स्ट्रेंथ है आपकी खुद को पूछिए, खुद के अंदर आप एक्सप्लोर कीजिए, जरूर आपको पता चलेगी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो रियल है तो आपको उसको एलोबरेट करने में भी बहुत मजा आएगा और इंटरव्यूअर को सुनने में भी अच्छा लगेगा। वीकनेसेस एक के ऊपर कोशिश कीजिए ना जाए, एक दो दैट्स इट उसके बाद छोड़ दीजिए। पर्सनल डिटेल का सेक्शन दीजिए, लास्ट में डिक्लेरेशन दीजिए, डिक्लेरेशन के बाद डेट प्लेस और सिग्नेचर जरूर कीजिए, क्योंकि इसके जरिए आप ये बताते हैं कि एज ऑन डेट
On this place, I declare that above information is true and correct. That's it. बहुत सिंपल है दोस्तों, इस तरह से आप एक बहुत अच्छा आपका रिज्यूमे फॉर्मेट बना सकते हैं। आप में से अगर किसी को फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, आपका मेल आईडी ड्रॉप कीजिए, मैं आपको पर्सनली बहुत अच्छे जो मेरे पास 5-6 फॉर्मेट्स हैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला वीडियो नए टॉपिक नए मुलाकात के साथ बात करते हैं। थैंक यू।